हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई स्टोरी लेके आई हूँ जिसका शीर्षक है चार ब्राह्मण। एक गांव में चार ब्राह्मण रहते थे। उनमें से तीन ब्राह्मणों ने अनोखी विद्याएं सीख रखी थी, जबकि एक को कुछ खास नहीं पता था। इसी वजह से बाकी तीनों उसे अज्ञानी और निरामूर्ख समझते थे। एक बार तीन विद्वान ब्राह्मणों ने शहर जाकर कुछ धनोपार्जन करने का विचार बनाया। उन्हें जाता देखकर चौथा ब्राह्मण भी साथ जाने का आग्रह करने लगा। तुम हम विद्वानों के साथ जाकर क्या करोगे? तुम्हें तो कोई ऐसी विद्या भी नहीं आती जिससे तुम धनोपार्जन कर सको, जाओ लौट जाओ, तीनों ने उसे लगभग डांटते हुए कहा। मैं तुम लोगों के काम कर दिया करूँगा, कृपया मुझे ले चलो, चौथा ब्राह्मण आग्रह करते हुए बोला। काम कराने के लालच में सभी उसकी बात मान गए और वे भी साथ साथ चल पड़ा। शहर जाते वक्त रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। चलते चलते उन्हें एक जगह ढेर सारी हड्डियां बिखरी दिखाई पड़ती है। सभी वहीं रुक जाते हैं और इस बात को लेकर विवाद हो जाता है कि यह हड्डियां किस जानवर की है। तभी एक ब्राह्मण बोलता है, चलो बेकार की बहस बंद करो, मैं अभी अपनी तंत्र विद्या से इन हड्डियों को जोड़ देता हूँ। और देखते देखते एक शेर का कंकाल तैयार हो जाता है। यह देखकर दूसरा ब्राह्मण अपनी विद्या कर प्रदर्शन कर सबको प्रभावित करना चाहता है और उस कंकाल में मांस व चमड़ी लगा देता है। अब भला तीसरा ब्राह्मण कहाँ पीछे रहने वाला था। वह हंसते हुए बोला, तुम सब ये क्या बचकानी हरकतें कर रहे हो, मैं दिखाता हूँ असली विद्या। मैं इस शेर में अपनी प्राण फूक इसे जीवित कर देता हूँ। और ऐसा कहकर वह मंत्रोच्चारण करने लगता है। ठहरो ठहरो, चौथा ब्राह्मण जोर से चीखता है, तुम ये क्या कर रहे हो? अगर ये शेर जीवित हो गया, अभी वो अपनी बात पूरी भी ना कर पाता कि मंत्रोच्चारण कर ब्राह्मण उस पर गरज पड़ता है। मूर्ख अल्प बुद्धि, विद्वानों के बीच अपनी जुबान दोबारा कभी मत खोलना। और वह पुनः मंत्र पढ़ने लगता है। चौथा ब्राह्मण समझ जाता है कि यहाँ कोई उसकी बात नहीं मानेगा और वह तेजी से भागकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। उधर मंत्र की शक्ति से शेर में प्राण आ जाते हैं। शेर तो शेर है, हिंसक, घातक, प्राणनाशक, वह क्या जाने उसे किसने बनाया, क्यों बनाया। वह तो बस मारना और खाना जानता है। देखते देखते शेर ने तीनों ब्राह्मणों को मार डाला और अपना पेट भर घने जंगलों में ओझल हो गया। चौथा ब्राह्मण सही समय देखकर गांव की तरफ वापस लौट गया। वह मन ही मन सोच रहा था, ऐसा ज्ञान किस काम का जो इंसान की सूझबूझ और समझदारी को छिन कर दे। सीख किताबी ज्ञान से कहीं अधिक जरूरी व्यवहारिक ज्ञान होता है। कभी भी अपनी पढ़ाई लिखाई का घमंड नहीं करना चाहिए और अपने आगे दूसरों को मूर्ख नहीं समझना चाहिए। यदि यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही वीडियो डेली पाने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दें।